हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक हमारे व्यूअर हैं जो कि केरला से आते हैं, आर्मी में इनकी पोस्टिंग है और इन्होंने मुझे कॉल किया था। इन्होंने पूछा है कि सर, एक साल पहले आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया था फी मैनेजमेंट का, तो उस सॉफ्टवेयर में आपने बोला था कि अगर आप जीरो ना भी लिखे तो भी कैलकुलेट होकर आ जाएगा, तो वो आपने आगे चल करके बताया नहीं। ठीक है, तो देखिए ये कोई ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं ये जीरो ना लिखने से कैसे आपका काम हो जाएगा। यहां पर देख सकते हैं ये जो क्वेरी हमने लगाई है, इसे आप ध्यान से देख लीजिए, क्वेरी नंबर 2। इसमें मैंने यहां पे जीरो नहीं लिखा। आप देखिए यहां पर मैं अगर तीसरी एंट्री पास करता हूं, लाइक यहां पे कर देता हूं महेश, ये अगले स्टूडेंट का नाम है, और मान लीजिए इन्होंने फी सबमिट की जनवरी में 600, फरवरी में 600, मार्च में 400 ही किया, अप्रैल में किया ही नहीं, मई में किया ही नहीं, जून में किया ही नहीं, यहां पर आ गए, यहां पर 2000 सबमिट कर दिया फीस। ठीक है, फिर अगस्त में नहीं किया, सितंबर में नहीं किया, अक्टूबर में 1000 रुपए फीस सबमिट की। ठीक है, बस यहीं तक रहने देते हैं, बाकी सब में देखिए ऑटोमेटिकली जीरो आता चला जा रहा है और आप कैलकुलेट भी कर पाएंगे। देख सकते हैं इधर मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं, एक बार ध्यान से देख लीजिए, यहां पर सारी कैलकुलेशन आसानी के साथ होती चली जा रही है। देखिए यहां पर टोटल सबमिटेड 4600 आ रहा है, यहाँ पे टोटल फी भी लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा नहीं है, ये लिखा हुआ अपने आप आ रहा है। ये सब कैसे होगा आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ से एक न्यू टेबल बना लेनी है। ठीक है, न्यू टेबल बनाने के बाद यहाँ से इस तरह, चलिए टेबल 1 ही रहने देते हैं, नाम इसका चेंज नहीं करते हैं, और यहाँ पर आप स्टूडेंट आईडी या रोल नंबर कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे कर देता हूं मैं रोल नंबर, ओके, और रोल नंबर करने के बाद इसको ऑटो नंबर रख सकते हैं, नंबर भी रख सकते हैं, टेक्स्ट भी रख सकते हैं, एज योर विश। ठीक है, अब यहां पे स्टूडेंट का नेम आएगा, तो यहां कर देता हूं नेम ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, ये कर दिया हमने नेम ऑफ स्टूडेंट। यहां पे टेक्स्ट डेटा टाइप रखेंगे और यहां पर जैसे ही आएंगे तो अब यहां पर आप फी की बात कर लेते हैं। तो यहां कर देता हूं जनवरी JAN लिख दिया, यहां पे FEB कर दिया फरवरी के लिए, मार्च के लिए MAR कर देता हूं, अप्रैल के लिए यहां पर APR कर देता हूं, मई के लिए MAY, जून के लिए JUN, जुलाई के लिए JUL, अगस्त के लिए AUG कर देंगे, सितंबर के लिए SEPT, केवल इतना ही रखेंगे, अक्टूबर के लिए OCT, नवंबर के लिए NOV और दिसंबर के लिए DEC, ये हमने कर दिया। ठीक है, अब नीचे यहां पर हमें टोटल कलेक्टेड फीस, ये हमें हेडिंग दे देना है। ठीक है, टोटल कलेक्टेड फीस लिखना है, तो टोटल कलेक्टेड ये कर दिया हमने फीस, ओके। तो यहां पे देख सकते हैं ये टोटल कलेक्टेड फीस हो गया है। अब यहां पर सब पर टैक्स डेटा टाइप है, इसको अभी हम चेंज करते हैं, यहां पर टोटल फीस आ जाएगा, तो ये हमने कर दिया टोटल फीस, ओके। तो ये हो गया, और ये नंबर डेटा टाइप इन सबको बनाना है हमें, इसको नंबर कर लेते हैं अभी से, और यहां पर रेस्ट अमाउंट आ जाएगा, तो ये कर दिया मैंने रेस्ट और अमाउंट AMOUNT, तो ये रेस्ट अमाउंट हो गया। तो अभी यहां पे क्या करना है हमको, इसको भी हमें नंबर डेटा टाइप रख लेना है, टोटल कलेक्टेड फीस ये भी नंबर डेटा टाइप रहेगा, और बाकी की फीस की जितनी भी डिटेल है, लाइक जिस भी मंथ की बात करें हम, तो उसमें भी आपको नंबर ही डेटा टाइप रखना है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें आपको एक आएगी कि आप जब जीरो नहीं एंटर करेंगे तो टोटल कैलकुलेट होकर नहीं आएगा, जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे वो कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, यही दिक्कत आएगी और यही दिक्कत इनको भी है, तो समझते हैं इसको कि इस दिक्कत का क्या सोल्यूशन है। पहले इसको हम एक एक करके पहले बना लेते हैं। ये देखिए यहां पर नंबर डेटा टाइप सबको रख लीजिए आप, ये हो गया, अब बस जनवरी का रह गया, तो ये जनवरी को भी नंबर डेटा टाइप कर लेते हैं। तो ये सब नंबर डेटा टाइप हमने बना लिया। अब इसका सॉल्यूशन ये है कि नीचे ये देख सकते हैं जनरल, ये फील्ड प्रॉपर्टीज आपको दिखाई पड़ रही होगी, और यहां पर आपको मिलेगा डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, बस आपको यहां पे जीरो रख देना है, यह है ना डिफॉल्ट वैल्यू, यहां पर आइए जनवरी के मंथ में रहिए और यहां पर डिफॉल्ट वैल्यू में जीरो कर दीजिए, बस आ गया ये फरवरी के मंथ में, और यहां पर भी डिफॉल्ट वैल्यू आपको क्या करना है, जीरो कर देना है। ठीक है, फिर यहां मार्च के मंथ में आते हैं और डिफॉल्ट वैल्यू क्या करना है आपको, जीरो कर देना है, ओके। और फिर अप्रैल के मंथ में आते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू जीरो कर दीजिए। इससे फायदा क्या होगा कि आप अगर कुछ भी नहीं देते हैं तो डिफॉल्ट वैल्यू अपने आप जीरो ले लेगा, है ना, तो ये फायदा होगा आपको।
तो इससे आपका कैलकुलेशन प्रभावित नहीं होगा और आप आसानी से कैलकुलेट भी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू दिया हुआ है, इसको भी जीरो लिख लीजिए। मैंने पहले भी कहा था ये कोई ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन एक आपको इससे सिनेरियो जरूर क्लियर होगा कि सॉफ्टवेयर कैसे क्रिएट करना है। आप ड्रॉप डाउन लगा करके और उसमें कुछ क्वेरीज बना करके और आसानी के साथ ये फी मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। ठीक है, फिलहाल ये जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन अभी दे देता हूं मैं। ये जीरो लिख लीजिए यहां पर भी, है ना, और यहां पर भी आपको जीरो ही लिख लेना है कुछ इस तरीके से। ये जीरो हो गया, ओके। और यहां पर टोटल कलेक्टेड फीस हमें कैलकुलेट करना होगा, और यहां पे टोटल फीस तो इसमें एक डिफॉल्ट वैल्यू में 7,000-8,000 जो भी है, तो यहां पे मैं 10,000 कर देता हूं। तो ये मैंने कर दिया 10,000 रुपए, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू में 10,000 हो गया है। ठीक है, और रेस्ट अमाउंट और टोटल फी कलेक्टेड फी ये तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो अभी इसको सेव कर लेना है। तो ये सेव कर लिया हमने, टेबल वन के ही नाम से सेव हुआ है। अब यहां पर आता हूं, एक क्वेरी बनाता हूं, तो ये क्वेरी पे आ गए। अब ये फी के नाम से या टेबल वन के नाम से, टेबल वन वाला ही हमारा है जो अभी हमने क्रिएट किया, इसको ले लेते हैं। और यहां से अब हमको इसको पूरे डेटा को एक बार ऊपर हेडिंग पे क्लिक कर दीजिए और ये एक बार ड्रैग करके लेके आ जाइए सबको कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि सारी चीजें आ गई हैं, सारा आपका फील्ड जो था वो सब कुछ आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल कलेक्टेड फी की बात कर लेते हैं। टोटल कलेक्टेड फी कैसे कैलकुलेट होगा, तो यहाँ पे राइट क्लिक कर दीजिए, जूम व्यू पे ले लीजिए, यहाँ पर आपको आसानी से देख पाएंगे आप। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करता हूँ, JAN लिखता हूँ, क्योंकि पहला महीना जनवरी का ही है। तो जनवरी में जो कुछ भी फीस आए उसको फरवरी में आप प्लस कर दीजिए। ठीक है, FEB कर दिया, अब फिर यहाँ पे MAR कर देंगे मार्च के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पर अप्रैल के लिए APR कर दीजिए, मई के लिए MAY कर दीजिए, जून के लिए यहाँ पे JUN करना होगा, जुलाई के लिए JUL और अगस्त के लिए AUG। ठीक है, सितंबर के लिए SETT यही करना है, और अक्टूबर के लिए OCT। ठीक है, अक्टूबर हो गया, और नवंबर के लिए अब हमें क्या करना है, NOV, तो प्लस करके लिख देता हूं NOV, तो नवंबर हो गया। और फिर यहां पे दिसंबर, तो DEC, तो ये दिसंबर हो गया। ओके, अब यहां से ओके प्रेस कर देता हूं। ठीक है, तो जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो अब यहां पर देखिए रेस्ट अमाउंट हमको कैलकुलेट करना है, तो रेस्ट अमाउंट के लिए भी चलते हैं, देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो यहां पर रेस्ट अमाउंट में क्या करना है, माइनस कर देना है। क्या माइनस करना है, टोटल फी में से टोटल कलेक्टेड फीस को माइनस कर देना है। तो ये टोटल फीस है। अब मैंने डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखा था आपको याद है, तो याद ही है, 10,000 रखा था, तो टोटल फीस 10,000 सबमिट करनी है। ठीक है, लेकिन अब जितना भी सबमिट किया हो तो ये टोटल फीस में से टोटल कलेक्टेड फीस को माइनस कर दीजिए। तो यहां पे लिखिए टोटल कलेक्टेड फीस, तो ये हो गया टोटल कलेक्टेड फीस। अब इसी को माइनस कर देना है हमको। ठीक है, अब ओके प्रेस कर दीजिए, और ओके प्रेस करने के बाद यहां पर रन पे क्लिक करना है। ठीक है, देखते हैं कहीं कुछ गलती हुई है शायद, यहां पर एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार फिर से रन करवाते हैं। टेबल वन ऑलरेडी ओपन हो गई, तो यहां पर इसको सेव कर लेता हूं और फिर इसको क्लोज कर देता हूं, और अब इस क्वेरी को रन करवाता हूं। तो ये क्वेरी रन हो जाएगी, और यहां से अब रोल नंबर अपने आप आता चला जाएगा। अब मान लीजिए एक स्टूडेंट है राम, ठीक है, इनका जनवरी में फी सबमिट हुआ 700 रुपए, फरवरी में हुआ 1200 रुपए, मार्च में किया ही नहीं, अप्रैल में, अब देखिए जीरो अपने आप आ रहा है, आपको लिखने की जरूरत नहीं, अप्रैल में 500, मई में नहीं किया, जून में 600, फिर 1000, फिर यहां पर 900, कुछ इस तरीके से फी सबमिट हुआ, और लास्ट में कुछ नहीं हुआ, बस यही तक फी सबमिट हुआ। तो यहां पर रेस्ट अमाउंट भी कैलकुलेट होकर आ रहा है, सब कुछ कैलकुलेट होकर आ रहा है। इसके लिए हम फॉर्म बना सकते हैं, फिलहाल एक दो स्टूडेंट का नेम और इसमें ऐड कर लेते हैं, जैसे यहां पर कर देता हूं श्याम, और यहां पर इनकी फीस जो सबमिट हुई है वो 5000 पहले ही महीने हो गई है, दूसरे तीसरे चौथे पांचवे आप इस महीने में कहीं फीस सबमिट नहीं हुई है, तो इनका केवल 5000 सबमिटेड है। ठीक है, यहां पे कर देता हूं एक और स्टूडेंट, तो ये हो गया। और यहां पर 400 पहले महीने हुई, 700 दूसरे महीने हुई, जितने भी फीस आपकी सबमिट हुई है वो यहां पे देते चले जाइए।
यहां पे 1000 कर दिया हमने, ओके। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि यहां पर भी इसका टोटल आ रहा है। अब हमको क्या करना है, सिंपली यहां से जाना है और यहां से फॉर्म विजार्ड पे जा सकते हैं आप, ठीक है। ये देखिए फॉर्म विजार्ड आपको नजर आएगा, तो यहां पर आप चले जाइए और क्लिक कर दीजिए और यहां से क्वेरी 3 को सेव कर लीजिए, क्वेरी 3 ही नाम रख देते हैं, आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। अब इन सारे डेटास की डिटेल हमें चाहिए, तो ये ले लिया हमने, ओके किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, मॉडिफाई कर देते हैं इसको और यहां से इस तरीके से ये आ जाएगा। तो अब हमको करना क्या है, देखिए सबसे पहले तो इसका कलर मैं चेंज कर देता हूं, ये बैकग्राउंड का कलर जो है मैं चेंज करने वाला हूं, तो ये देखिए ये कलर मैं चेंज कर देता हूं। और अब ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड पे चले जाइए और एक एक करके लेते चले जाइए, ये ले लिया हमने, इसको इस तरीके से ड्रैग करके लेके आइए, ये रोल नंबर हो गया, ठीक है। और रोल नंबर के बाद नेम ऑफ स्टूडेंट आ गया, ये दोनों ले लिया हमने, और इसमें थोड़ा सा साइज वाइज घटा बढ़ा लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये हो गया, इसको थोड़ा ऊपर भी कर लेता हूं मैं, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक एक मंथ की फीस को लेके आते हैं, लाइक यहाँ पे जनवरी कर दिया है ना, ये फरवरी कर दिया हमने, इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करिए इधर की तरफ इस तरीके से, ठीक है। तो जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, अब ये मार्च कर देते हैं यहाँ पे, अप्रैल को यहां पे कर देते हैं, मई को यहां पे कर देते हैं, जून को यहां पे कर देते हैं, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और एट लास्ट अब हम दिसंबर करने वाले हैं, तो ये दिसंबर कर दिया हमने। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा। अब टोटल कलेक्टेड फीस की बात कर लेते हैं, तो ये टोटल कलेक्टेड फीस हो गई आपकी, यहाँ पे हमने इसे रख लिया और यहाँ से साइज वगैरह बढ़ा सकते हैं आप, देखिए ये कुछ इस तरीके से इसको इंक्रीज कर लीजिए और फिर यहां से इसको डिक्रीज भी कर दीजिए आप, ये लाइक यहां से इसको डिक्रीज कर देता हूं, थोड़ा सा और डिक्रीज कर देते हैं, ये हो गया। तो ये टोटल कलेक्टेड फीस आ गया और अब टोटल फीस की बात कर लेते हैं, तो ये टोटल फीस हो जाएगा आपका, ठीक है। और फिर यहाँ पे रेस्ट अमाउंट आ जाएगा, कितना बकाया है ना। तो इसको अब सिलेक्शन में ले लेता हूँ रेस्ट अमाउंट को, और रेस्ट अमाउंट को सिलेक्शन में लेकर के इसको रेड में कन्वर्ट कर देता हूँ और कलर इसका चेंज कर देता हूँ, इसके बैकग्राउंड का कलर जो है हम किसी और कलर में लगा देते हैं, लाइक येल्लो कर देते हैं। तो ये देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आएगा, और यहाँ पर ये टोटल फीस वाला देख सकते हैं, इसको एक अलग कलर प्रोवाइड करते हैं। तो यहां से जाते हैं और ये थोड़ा सा ग्रीन टाइप में कर देते हैं इसको, और यहां पर ये वाला जो है टोटल कलेक्टेड फीस, तो इसको मैं क्या करता हूं, इसको कर देता हूं एक अलग कलर में, लाइक ये कलर कर देता हूं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमको सिंपली क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि आप इसके लिए कॉम्बो बॉक्स डिजाइन करना चाहते हैं तो कॉम्बो बॉक्स भी बना सकते हैं, ताकि आप जो रोल नंबर सर्च करेंगे उसी का डिटेल आएगा। तो कॉम्बो कैसे बनाएंगे, तो देखिए कॉम्बो बनाना बहुत आसान है। पहले इसको सिलेक्शन में लेता हूं और इन सारे डेटा को थोड़ा नीचे की तरफ मूव करता हूं, ये हो गया। अब यहां पर आपको कॉम्बो बॉक्स दिखेगा, यही है कॉम्बो बॉक्स, यहां पर ड्रैग कर दीजिए, सिंपली ड्रैग करेंगे तो ये बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पे फाइंड अ रिकॉर्ड थर्ड वाला सेलेक्ट करके और यस कर दीजिएगा और रोल नंबर को केवल ले लीजिए, ओके कीजिए, यहाँ से नेक्स्ट कीजिए और ये रोल नंबर 1 आ रहा है, खाली रोल नंबर रखेंगे हम, तो ये रोल नंबर रख के और यहाँ से फिनिश कर दीजिए, तो बस हो गया काम आपका, ठीक है। अब यहाँ से इसका कलर वगैरह थोड़ा बदल देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे हमें ये, तो ये हमने ये कलर लगा दिया और यहाँ से चाहे तो इसको रेड वगैरह कर सकते हैं, फिलहाल छोड़ता हूँ, अच्छा है ऐसे। अब यहाँ से ओके कर देता हूँ, तो ये देख सकते हैं ये आपका सॉफ्टवेयर तैयार है, ठीक है। और अब यहाँ से रोल नंबर आप सेलेक्ट कीजिए रोल नंबर 2, तो रोल नंबर 2 की डिटेल आएगी, और यहाँ से अगर रोल नंबर 3 सेलेक्ट करता हूँ तो रोल नंबर 3 की पूरी डिटेल आएगी। तो आई होप कि बहुत ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपका काम इससे आसान हो जाएगा, तो अगर आपका काम आसान होता है तो मुझे अच्छा लगेगा, और अगर किसी और भी स्टूडेंट को फायदा मिलता है इसका तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।